नमस्कार, कुकविद भावना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पिज्जा मठरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, क्रिस्पी और खस्ता बनके तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम पिज्जा मठरी बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएं। चलिए हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा मठरी बनाने के लिए हम एक बार सामग्री देख लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया है 2 कप मैदा और यहाँ हमने लिया है ऑयल, ये आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है हमने मोयन के लिए। और आधा कप हमने यहाँ सूजी ले ली है ताकि हमारी मठरी बिल्कुल अच्छी क्रिस्पी हो। और 1 छोटी चम्मच यहाँ काली मिर्च को मैंने दरदरा कूट के ले लिया है। और यहाँ लिया है मैंने 1 छोटी चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच यहाँ मैंने ले ली है मिक्स हर्ब्स। और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है पिज्जा सीजनिंग और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ लिया है चिली फ्लेक्स। तो चलिए हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ हमने जो मैदा लिया है उसपे हम सूजी मिक्स कर देंगे अभी, और जो सारे मसाले हमने लिए हैं वो भी मिक्स कर देंगे। ये काली मिर्च मिक्स कर देंगे हम इसमें, मिक्स हर्ब्स मिक्स कर देंगे इसमें, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए आप, चिली फ्लेक्स और जो पिज़्ज़ा सीजनिंग लिया है हमने वो ले लेंगे। और इन सभी को एक बार मिक्स करके हम ऑयल डाल देंगे इसमें, एक बार अच्छे से मिक्स कर लें सारे मसालों को। ये हमने मसाले मिक्स कर दिए हैं इसमें। अभी हम बीच में जगह बनाते हुए ऑयल डाल देंगे इसमें, हमने ऑयल भी इसमें डाल दिया है मोयन के लिए। अभी हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमने मोयन को मिक्स कर लिया है अच्छे से मैदे में। ये देखिए इस तरह से हमारा जो मैदा है वो मुट्ठी में बाइंड हो रहा है, बिखर नहीं रहा है, तो मतलब हमारा मोयन बिल्कुल सही है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के सख्त आटा लगा के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप ले करके और बिल्कुल सख्त डो लगा के तैयार करना है हमें, ताकि हमारी जो मठरी है बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बने। हमने डो लगा के तैयार कर लिया है, बिल्कुल सख्त डो लगाया है, और इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक करके छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो बिल्कुल सेट है अभी। तो अभी हम इसे हल्के हाथों से एक बार वापस थोड़ा चिकना कर लेंगे मसल के। ज्यादा मसलने की हमें जरूरत नहीं है। अभी हम इसके बड़ी साइज में पेड़े बना लेंगे। 2 से 3 रोटी का पेड़ा एक बार में हम लेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये साइज का, और उसके बाद इसे बेलेंगे हम और कुकी कटर से छोटी छोटी मठरियां बना के तैयार करेंगे। यहाँ हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे, और इधर हम मठरी बना के तैयार कर लेते हैं जब तक हमारा ऑयल गरम हो जाएगा। ये हमने एक पेड़े को बेल करके तैयार कर लिया है। आपको थोड़ा मोटा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है, ताकि हमारी जो मठरी है वो बहुत ही अच्छी खस्ता बने। और जो ये किनारियाँ फट रही हैं इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मोयन अच्छा डाला है, इससे ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। तो अभी हम एक कुकी कटर ले लेते हैं और इससे छोटी छोटी मठरियाँ काट के तैयार करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ढक्कन ले सकते हैं या फिर छोटा ग्लास ले सकते हैं और उससे इस तरह से काट सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं छोटी छोटी लोइयाँ बना करके। एक बार में जितनी भी मठरी बन करके कट जाए इसमें उतनी हम बना लेंगे इसमें से। ये हमने सारी काट ली है कुकी कटर से, और अभी बिल्कुल ध्यान से
जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम इनमें से निकाल लेंगे। ये हमने सारी मठरी को इसमें से काट लिया है, और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम वापस उसी डो में मिला लेंगे और फिर से इसकी मठरी बनाएंगे। ये हमने कुछ मठरी बना के तैयार कर ली है, और अभी हम इसे एक कांटे की सहायता से प्रिक करेंगे ताकि फ्राई करते समय ये फूले ना। सारी मठरियों को हम इसी तरह से प्रिक करेंगे, और इसी तरीके से हम सारी मठरी बना के तैयार करेंगे। अभी हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो कुछ मठरी हम इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अच्छा गरम ऑयल चाहिए हमें इसके लिए। एक बार में जितनी मठरी कढ़ाई में आ जाए उतनी हम इसमें डाल देंगे। इन मठरियों को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अभी ये ऊपर आने लगी है, यानी हल्का फ्राई हो चुकी हैं, तो अभी हम इसे पलट देते हैं और दोनों तरफ से उलट पलट कर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी हमारी मठरी थोड़ी फ्राई हो चुकी है, तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि ये अच्छी गोल्डन ब्राउन हो सके। हमारा फर्स्ट बैच बिल्कुल अच्छे से फ्राई होके तैयार है मठरी का। इसे हम किचन टॉवल पे ले लेते हैं और दूसरा बैच हम फ्राई करने के लिए डालेंगे इसमें। ये हमारी मठरी का लास्ट बैच भी फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। हमारी कुरकुरी खस्ता टेस्टी पिज्जा मठरी बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप इसे बिल्कुल ठंडा करके और एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।